हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बडवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूज ऑटो ब्लॉग। दोस्तों, 10th जुलाई 2023 को टाटा पंच की नींद उड़ाने आ रही है हुंडई की मोस्ट अवेटेड मिनी एसयूवी एक्सटर। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, जो कि बहुत ही जबरदस्त डिजाइन डायनेमिक्स फीचर से लैस होने वाली है। बहुत सारे बायर्स टाटा पंच एंड मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की बुकिंग कैंसिल करने वाले हैं, क्योंकि हुंडई एक्सटर इतनी जबरदस्त डिजाइन डायनेमिक्स रोड प्रेजेंस के साथ आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हुंडई एक्सटर की एक्सटीरियर डिजाइन के बारे में। फ्रंट प्रोफाइल में सबसे पहले नजर जाता है एच शेप्ड एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट, जो कि काफी फ्यूचरिस्टिक है। दोस्तों, बोनट पे एक्सटर की बैजिंग और बोनट के बीचों बीच हुंडई का लोगो, और वहीं फ्रंट ग्रिल के दोनों ओर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प एलईडी में दिया गया है, जो कि बहुत ही स्क्वायर शेप हाउसिंग में दिया गया है। फ्रंट ग्रिल पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है। नीचे आपको यहाँ पे स्किड प्लेट दिया गया है सिल्वर फिनिश में। एयरडैम आपको ब्लैक कलर में ही प्रोवाइड किया गया है। बहुत ही बोल्ड, एग्रेसिव और स्टनिंग नजर आ रही है फ्रंट प्रोफाइल से। चलिए अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। तो चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है ब्रॉड, जो कि इसके एसयूवी स्टांस को बढ़ा देते हैं। और इसके साइड प्रोफाइल में 16 इंच के ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील बहुत ही जबरदस्त डिजाइन में दिया गया है। वहीं इस एसयूवी का ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छी खासी आपको मिलने वाले है, अप्रोक्स 180 mm का हो तो होना ही चाहिए दोस्तों। हालांकि कंपनी ने इसके डायमेंशन अभी रिवील नहीं किए हैं। और इसके अलावा इसके साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाली है, बहुत ही शानदार व्हील बेस के साथ। और इसमें ORBM आपको बॉडी कलर एलईडी टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। रेन सेंसिंग वाइपर टॉप एंड वेरिएंट में, रूफ रेल बहुत ही शानदार। वहीं बी पिलर सी पिलर पूरी तरह ब्लैक्ड आउट रहने वाले हैं। और इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा और ड्यूल टोन ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। काफी जबरदस्त इसका साइड प्रोफाइल। ग्रैब हैंडल आपको बॉडी कलर में ही देखने को मिलेगा। डोर मोल्डिंग आपको साइड प्रोफाइल में दिया गया है प्रोटेक्शन के लिए। वहीं इसके रियर प्रोफाइल भी काफी स्टनिंग एग्रेसिव रहने वाला है। सबसे ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, डिफॉगर एंड रियर वाइपर मिलेंगे। और एच शेप्ड एलईडी टेल लैंप यूनिट प्रोवाइड किया गया है। बीच में ब्लैक फिनिशर दिया है, जिसके ऊपर टेक्सचर दिया गया है और हुंडई का लोगो सेंटर में। नंबर प्लेट की जगह रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको प्रोवाइड किया गया है। एक्सटर की बैजिंग टेल गेट के लेफ्ट साइड, राइट साइड आपको वेरियंट की बैजिंग, नीचे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। स्किड प्लेट आपको सिल्वर फिनिश में। और इंटीरियर में आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट, सेंटर लॉकिंग और आपको कीलेस एंट्री प्रोवाइड किया गया है। और वहीं फैब्रिक अपोस्टी कम लेदर अपोस्टी दिया गया है। एक्स्ट्रा की बैजिंग ड्यूल टोन में आपको प्रोवाइड किया गया। इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट प्रोवाइड किया गया है। वहीं इसका डैशबोर्ड लेआउट जो है ग्रैंड आइटेनियोस की तरह ही मिलता जुलता है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सेंटर पार्ट में टेक्चर दिया गया है। वहीं इसके सेंटर कंसोल में 8 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कार्प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो, एफएम, ऑक्स एंड यूएसबी को। और साइड में आप बटन देख पा रहे हो, मैप, नेविगेशन, रेडियो, मीडिया और इधर सीक ट्रैक सेटअप जैसे फीचर्स दिए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। हुंडई वेन्यू से मिलता जुलता डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिजिटली मिल जाती है। वहीं स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो 3-स्पोक टिल्टेबल लेदर रैप्ड मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, राइट साइड क्रूज कंट्रोल दिया गया है। बीच में हुंडई का लोगो और यहाँ पे आप देख पा रहे हो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन भी आपको ऑफर किया गया है क्रूज कंट्रोल के साथ। और राइट साइड आपको दिया गया है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, हेडलैम्प लेबलर और CNG वेरिएंट में आपको CNG का बटन दिया गया है। सेंटर कंसोल में AC विंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, नीचे सी पोर्ट पावर सॉकेट, और इसके अलावा यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर और वायरलेस मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन टॉप एंड वेरिएंट में। और इसके अलावा ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और साथ ही स्मार्ट आपको AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। साथ ही प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो कूल्ड ग्लोव बॉक्स आपको टॉप एंड वेरिएंट में देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो जस्ट सफिशियंट जगह दिया गया है। वहीं डैशबोर्ड लेआउट कुछ इस तरह, AC विंड पे आपको ग्रेनिस इंसर्ट दिए गए हैं और यहाँ पे डैश कैम एंड ऑटो डिमिंग IRBM प्रोवाइड किया गया है, जो कि आपको टॉप एंड वेरिएंट में देखने को मिलेगा। ओवरऑल इंटीरियर लेआउट कुछ इस तरह रहने वाली है, काफी एम्बिएंट लगता है। रियर पैसेंजर्स के लिए AC विंड प्रोवाइड किया गया है और इसके साथ ही हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है 2 और 3 सीट बेल्ट दिया गया है, 3-पॉइंट सीट बेल्ट, जो कि सेफ्टी फीचर्स के रूप में काफी जबरदस्त है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है, लेग रूम काफी डिसेंट और हेडरूम भी काफी डिसेंट मिलने वाले हैं। टॉप इन वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर 4 ट्विटर मिलने वाले हैं दोस्तों। वहीं इसमें
बूट स्पेस अभी रिवील नहीं किया गया है, लेकिन तकरीबन 350 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। हुंडई एक्स्टर में इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें प्रोवाइड किया गया है BS6 सेकंड स्टेज RD एंड E20 कंप्लाइंट 1.2 लीटर फोर सिलेंडर कापा पेट्रोल इंजन, 82 PSP की पावर एंड 114 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने वाला है। ट्रांसमिशन आपको मिलते हैं 5 स्पीड मैनुअल एंड EMT गियरबॉक्स का ऑप्शन। वहीं CNG में परफॉर्मेंस की बात करें तो 68 PSP की पावर एंड 95 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज की अगर हम बात करें तो जब ये लॉन्च होगी दोस्तों तभी रिवील की जाएगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हुंडई एक्स्टर को हुंडई ग्रैंड आई10 नियोस के प्लेटफॉर्म पे तैयार किया गया है। जहां तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो हुंडई एक्स्टर के सभी वेरिएंट्स में आपको मिलने वाले हैं 6 एयरबैग स्टैंडर्ड। वहीं इसके अलावा आपको ABS DVD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड 3-point सीट बेल्ट ELR सिस्टम, ऑटो डिमिंग IRBM, डैश कैम, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, कीलेस एंट्री, सेंट्रल लॉकिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ब्रिटेशनर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, एंटी थेप डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, डोर अजर वार्निंग, क्रैश सेंसर, इंजन चेकिंग वार्निंग जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग रेंज रहने वाली है दोस्तों 6.50 लाख टू 10 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। ये थी दोस्तों हुंडई एक्स्टर से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव्स, वॉक अराउंड्स, कंपैरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।